फीवर कम करने के लिए बॉडी को अलाउ ही नहीं करते ना आप कि वो फीवर को हैंडल कर दे, क्योंकि वो फीवर क्रिएट करके इट टेक्स केयर ऑफ द इंफेक्शन. यू डोंट अलाउ द बॉडी टू डू इट्स वर्क. तो आपको क्या लगे, अरे फीवर हाई हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, कुछ खा लो. मतलब व्हाई यू वांट टू टॉर्चर योर बॉडी. यही चीज एकता को अभी समझ में आई ना, जब उसकी बच्ची का फीवर हाई हो गया, वो घबरा घबरा के बार बार मैसेज कर रही है, फीवर नीचे नहीं आ रहा. आई से डोंट वरी, शरीर काम कर रहा है, करने तो दो उसको. इन 24 आवर्स इट केम डाउन. 105, 106 इज ओके, पर वो उतना जाता नहीं है, कभी भी नहीं जाएगा. 104 के नीचे नीचे रहेगा. इवन इफ इट इज 105 इट्स ओके. थोड़ा गीली पट्टी लगाओ, शरीर को गीले कपड़े से पोछो, सपोर्ट द बॉडी, डोंट ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन. और एक बार शूट करता है बस, ओनली वंस इट शूट्स, एक ही बार शूट करता है ये. दवाई खाओगे तो बार बार शूट करेगा. सुबह आपने पैरासिटामोल खाया, इट क्रैश डाउन एंड देन इट अगेन शूट अप. अभी दूसरी बार शूट करेगा तो नॉर्मल से ज्यादा शूट करेगा, तो तड़प रहा है कि मुझे बढ़ाने दो टेम्परेचर सो दैट आई कैन हैंडल द इन्फेक्शन. बट यू आर सेइंग डोंट, नहीं नहीं, हम तेरे से ज्यादा समझदार हैं. पिछले 50 सालों में वी हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट देन यू. मिलियंस ऑफ इयर्स से अपने आप को संभाला है, दैट्स ओके, बट इन द लास्ट 50 इयर्स वी आर द बॉस. स्वामी जी, मैं कुछ पूछूं? हां जी. बीएम में फीवर को लेके मैं, क्योंकि मेरी बेटी को है आजकल, पर वो 102 तक ही जाता है, तो माय हस्बैंड आल्सो गेट्स पैनिकी और उनको होता है कि नहीं 102 बहुत हो गया, बस इसको नीचे लाना चाहिए. और मुझे अलाउ नहीं करते उसके रूम में जाने के लिए कि मैं पट्टी कर दूं. मैं बोल रही हूँ कि 102 है, कोई बात नहीं, मैं पट्टी करती हूँ, ठंडा पानी का वो पैक देती हूँ, पर वो मुझे नहीं जाने देते कि नहीं इतना इन्फेक्शियस है, यू शुड नॉट गो. यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज. इनफैक्ट अपने लिए चिंता नहीं होती है, क्योंकि अपने लिए तो जैसे मैं हूँ, मैं आई एम ओके कि नहीं मैं झेलूंगी, पर वो जब दूसरे बंदे के लिए होता है ना, तब बड़ी मुश्किल घर के परेशानी पैदा कर. ये कब होगा, जब सोशल साइकोलॉजी चेंज करेंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा. इट्स नॉट इजी कि आज आप बोलोगे तो दूसरा मानेगा, कैसे मानेगा. मैं भी एट प्रेजेंट ये झेल रही हूँ अपने घर में ना, तो इसलिए मेरा भी मुझे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ होगा इस वक्त. TSHB और हाँ, बिल्कुल होगा. घबराने से तो होगा ही होगा, मगर ये प्रॉब्लम नहीं है. देखो, सिचुएशन खराब होती है, बॉडी के पैरामीटर चेंज होते हैं, क्योंकि वो हैंडल कर रहा है ना सिचुएशन को. मैं इतने कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि इतनी वो लंबी लिस्ट जो मेडिसिन की है वो मंगा के रखी हुई है स्टॉक में, ये जरूरत को ये टेस्ट करवा के रखो, क्योंकि डॉक्टर्स का बड़ा सेट प्रोटोकॉल है जब आप एलोपैथी का वो करते हैं, तो आके इरिथ्रोमाइसिन तो दे ही दो, वो तो 5 डेज का कोर्स करा ही दो. हाँ, तो मैं आपको सामने सामने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. रुआनी को कितने टाइम में निकली रुआनी, एकता कितने टाइम में वो फीवर उसका खत्म हो गया, नाउ शी इज फाइन, कितना समय लगा उसको? अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट नहीं कर पा रहे, वो जरा अनम्यूट करने का वो डालिए, जरा कर दिया. हाँ, आप ही करो. नहीं हो रहा? हाँ, हो तो गया, लेकिन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. इतना पैनिक है कि नहीं उसके कमरे में नहीं जाओ, उसको कपड़े अलग धोने दो, अपने बर्तन उसको अलग करने दो, आप मत जाओ. नहीं, अभी भी नहीं आ रही. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इट टुक हर 24 आवर्स टाइम अप्रोक्सीमेटली टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. अगर दवाई लेना शुरू करेंगे ना, कोई भी दवाई लेना शुरू करेगा, इट विल टेक यू मिनिमम 7 डेज. एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते से ज्यादा खिंचेगा. If you don't take medicine at all, it will take you one day, 24 hours to become fine. For some people, it will extend to 2 days. लेकिन जाने दूँ, कोई कुछ ना दूँ, पैरासिटामोल वगैरह कुछ नहीं दूँ,
देखिए आप पहले से तो दे रहे हैं और अभी देना बंद भी करेंगे तो फिर क्या होगा, पहले तो दे दिया आप। मैं वही आपकी गाइडेंस, हाँ, किसी को भी कोरोना हो या कोई डिजीज होता है, लेट द बॉडी हैंडल इट, शरीर को उसको हैंडल करने दीजिए। स्पेशली फ्लू वायरल कोई भी होता है ना, इट टेक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज, इससे ज्यादा नहीं लेता कभी भी। 105 तक भी जाए तो नहीं, दवाई खा के आप अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं अब तो जो मतलब कुछ तो ली है ना, ये पैरासिटामोल तो लिया है, मुझे आप इस टाइम गाइड कीजिए। नहीं नहीं ये सभी के लिए, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए बता रहा हूँ, सबको यही करना है। इफ फीवर हैपेंस ड्रॉप कुक्ड फूड, पका हुआ खाना खाना ही नहीं है। व्हाट यू शुड ईट, फ्रूट्स, जूसेस, जूस हर एक ग्लास हर घंटे में पीते जाओ, नारियल पानी, ड्रॉप कुक्ड फूड, मतलब कम से कम 24 घंटे से 2 दिन तो आप मान के चलो आपको खाना नहीं खाना, नो कुक फूड एट ऑल, ठीक है। इफ फीवर राइजेज, अगर फीवर बढ़ रहा है, लेट इट हैपन, केवल सपोर्ट कैसे करना है, ठंडी पट्टी लगाओ, गीले कपड़े से शरीर को पोंछ दो, और ऑक्सीजन लेवल कम आता है किसी का भी, और पहली बात तो मेजर नहीं करना ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लेवल सबका इस वक्त में कम आ रहा है। If you are watching news, your oxygen level will be down if you check. तो oxygen level की चिंता नहीं करनी। Little effortful breathing, effortful breathing. अगर आपस में ऐसे पाँव को जोड़ के बैठ गए ना, दोनों पाँव पे, या पेट के बल लेट जाओ और effortful breathing हो रहा, थोड़ा effort ला। कुंभक क्या है? कुंभक, what is कुंभक? Effortful breathing, isn't it? कुंभक क्या है? Effortful breathing. कोई भी एफर्टफुल ब्रीदिंग कर लो, आपका ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाएगा। स्पेशली इफ योर हेड इज अप, लंग्स आर एक्सपेंडेड, ऐसा कोई भी पोस्चर, जैसे पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेट गए और थोड़ा सिर को सामने की ओर रखा, इनहेल एक्सहेल करते जाओ, इट विल बिकम एफर्टफुल और आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। वेंटिलेशन रखना है घर में, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आए एक छोटा सा पंखा टेबल फैन सामने रख दो, यू डोंट नीड ऑक्सीजन, नहीं तो ऑक्सीजन पेड़ पे लगे होते ना। व्हाट यू नीड, यू नीड फ्री एयर, खुली हवा चाहिए आपको। मुंह बंद करेंगे और फिर कहेंगे ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रहा है, अरे बाबा पहले तो मुंह बंद कर रहे हो, देन यू आर मेजरिंग योर ऑक्सीजन लेवल, इट विल बी डाउन, ठीक है ना। तो फ्री, आगे छोटा पंखा ले लो, टेबल फैन और हैंडल्ड फैन भी आता है, सामने रख दो उसको, एंड जस्ट डू एफर्टफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। किसी वेंटिलेटर की कभी जरूरत नहीं होने वाली आपको, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होने वाली आपको। मास्क लगाना कम करो, इफ यू फियर डोंट गो आउट, डर लगता तो बाहर ना जाए, मगर मास्क नहीं लगाना, डोंट पुट मास्क। घर को बंद नहीं करना, अगर किसी को थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो थोड़ा ठंडा कर दो एरिया को, वेंटिलेशन के साथ में एसी ऑन कर दो, थोड़ी सी हवा आने दो और उसको लंबी स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग, एफर्टफुल ब्रीदिंग करने दो। कुंभक कर ले तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। ये जितने भी मॉड्यूल अभी दिए हुए हैं ये सभी ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। 3 बारी अगर आप सांस खींच रहे हो, अभी हमने देखा ना वीडियो, 3 बार आपको मुंह नाक दोनों से सांस खींचना और बहुत स्लो एक्सहेल करना, आप करके देख लो, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। वेंटिलेशन चाहिए, अगर आप एसी भी चलाते हो तो उसका वेंटिलेशन ऑन रखना है। थोड़ा ठंडा माहौल कर दोगे ना, थोड़ा ठंडा माहौल कर दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, मगर फीवर ज्यादा हो तो बहुत ठंडा माहौल नहीं करना, वहां पे रिस्क है। अगर ठंडा करोगे तो शरीर और बढ़ाएगा टेम्परेचर, तो शरीर के टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करो। केवल ज्यादा तकलीफ हो रही है ऑक्सीजन की ना सांस लेने में, उस समय थोड़ा ठंडा कर देना, बाकी हमेशा नहीं रखना। केवल फ्री एयर चाहिए, फ्री एयर चाहिए, इतना ध्यान रखो। शरीर को अगर पसीना आ जाएगा तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैं छोटा था और क्या है, घर में पिटाई पड़ती थी अगर बताओ कि बीमार हो गए तो। आजकल तो बीमार हो गए तो प्यार मिलता है ना, उल्टा हो गया। अगर आपने चोट लगा लिया है, घुटना तोड़ लिया, हड्डी तोड़ ली, तो पिटाई और पड़ती थी।
ठीक है, तो मेरे को फीवर आ गया, स्कूल में था मैं, फीवर आ गया, मैंने कहा यार फीवर आ गया तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं कर, एकदम ढीला हो गया शरीर। सो व्हाट आई डिड यू नो, मैंने कहा ये फीवर हटाना है यार, कैसे करें, तो आई डिडंट नो एनीथिंग कैसे फीवर कैसे हटाएं, तो आई स्टार्टेड जॉगिंग। मैं ग्राउंड के ना चारों ओर चक्कर लगाने लग गया जॉगिंग करते करते, एक चक्कर लगाया होगा मैंने, इट वॉज टू एफर्टफुल, बड़ी तकलीफ के साथ में मैं जॉगिंग कर रहा था, बट एक राउंड पूरा करते करते ना आई स्टार्टेड स्वेटिंग, इतना पसीना आया, और उसके बाद एक घंटा, दैट्स इट, आई वॉज 100% फाइन। कितनी देर में मैंने अपनी बीमारी ठीक कर दी, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटा भी नहीं लगा हुआ, नॉट इवन 2 आवर्स। जिस समय आपको आलस आता है ना, आप आराम करते हो, एक्चुअली काम करना चाहिए आपको। इफ यू वुड हैव बीन इन जंगल, अगर आप स्लो हो गए तो कोई खा जाएगा आपको, यू कैन नॉट बी स्लो, सो यू वुड रादर पुट मोर एफर्ट। अगर बीमार होंगे ना तो आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, एंड दैट विल क्रिएट हेल्थ फॉर यू, वो आपको ठीक कर देगा। ये भी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्रिएट अ सोशल साइकोलॉजी अराउंड इट। इसीलिए खुली हवा चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए आपको। दूसरी बात, मेंटली अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम मिला, एंजॉय इट, हंसता खेलता माहौल बना के रखें, अ हैप्पी एनवायरमेंट। जो होता है होता रहेगा ना, ठीक है, अभी सिचुएशन आ गया है, लेट्स एक्सेप्ट इट, है ना, क्या होगा नहीं सोचना। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखें, बॉडी टेम्परेचर अगर आप नहीं कम कर रहे, अगर पैरासिटामोल खा के नहीं कम कर रहे, गीली पट्टी से कम करें, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है अगर किसी को, तो उस समय थोड़ा सा आसपास का माहौल ठंडा कर देंगे ना, तो सांस लेने में, स्पेशली मैं फीवर के बारे में बात नहीं कर रहा, सांस लेने में अगर किसी को गास्पिंग आ रहा है ना, थोड़ा ठंडा माहौल कर दो आसपास का, और हवा चला दो सामने, और उसको स्ट्रेस में थोड़ा एफर्टफुल ब्रीदिंग करो, तो इमिडिएटली फाइन हो जाएगा वो, उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। और अगर थोड़ा सा चेस्ट हैवी लग रहा है, या थोड़ा सा चेस्ट हैवी लग रहा है, हाँ, चेस्ट कंजेशन के कारण होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए दोबारा से अगर थोड़ा एफर्टफुल ब्रीदिंग करेंगे तो उससे हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज क्या करनी है, गरम 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 चीज लेनी है, गरम नहीं कुछ हो तो गरम पानी सिप सिप करके पीना, चाय की तरह। वायरस का सबसे बढ़िया इलाज गरम पानी, ड्रिंक इट लाइक टी, चाय की तरह पियो, नहीं तो कोई काढ़ा यूज कर लीजिए, कुछ भी गरम डाल दो उसके अंदर, लौंग अदरक जो है घर के अंदर मसाला, हमारे घर में तो मसाले ही इतने होते हैं, कुछ भी डाल दो उसके अंदर चलेगा। मुझे वो उधर कल गलती से दे गया, हरितकी की जगह मैंने मंगाया था, तो मैंने देखा उसमें मुलेठी और ये सब है, तो मैंने उसी का ही उसको बॉइलिंग वाटर में डाल। जी जी, टेस्ट और स्मेल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर इट टू कम बैक टू नॉर्मल। मगर वो बीमारी नहीं है, वो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था। वो टेस्ट और स्मेल क्यों बंद किया आपके शरीर ने, बंद किया सो दैट यू शुड नॉट ईट। क्यों बंद किया आपके शरीर ने, बंद किया ना, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके शरीर का। क्यों, आपका टेस्ट गया, स्मेल गया, तो आपको आप पता नहीं चलेगा कुछ भी, आपको भूख नहीं लग रही तो आप खाना नहीं खाओगे, क्योंकि स्मेल से ही ना ट्रिगर होता है, स्मेल से ना भूख का ट्रिगर आता है, तो वो आप डाइटिशियंस कह रहे हैं जूस नहीं लो। हाँ, जैसे कि डाइटिशियंस जो हैं वो कहते हैं फ्रूट जूस नहीं लो इस टाइम पे। हाँ, तो नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो धंधा कैसे चलेगा उनका। फ्रूट जूस देना चाहिए आपके, फ्रूट जूस लोगे तो आप ठीक हो जाओगे ना, फिर उनका धंधा कैसे चलेगा। Most of the dietitian do not know. एक जगह से पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह उसको थोप रहे हैं, तो उनको थोड़ी मालूम है कि डाइट कैसे काम करता है, they don't know anything about it. वो तो कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया, पढ़ लिया,
डिग्री ले ली वही दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप भी कॉमन सेंस लगाओ ना, आपके शरीर ने टेस्ट और स्मेल बंद किया, यानी आपको ये कह रहा है कि आप खाने में कमी कर दो, है ना। उस समय क्या होगा, थोड़ा डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी ना खांसने की कोशिश करती है, निकालने की कोशिश करती है, तो उसको कुछ लिक्विड चाहिए सपोर्ट करने के लिए, लिक्विड चाहिए। कोई भी बीमारी में आप हाइड्रेट कर दो बॉडी को और जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आप अपने आप को हाइड्रेट कर दो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कोई भी बीमारी हो, आप पानी के पास में चले जाओ, आप ठीक हो जाओगे। ये सिंपल बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आपका शरीर में पानी कम हो जाए, आप बीमार हो जाओगे। तो वाटर एक ऐसी चीज है जो लाइफ क्रिएट करने का इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म है। वाटर आपको ठीक करता है। वाटर, अगर आप बीमारी में, यू गो क्लोजर टू मिट्टी, अर्थ, पृथ्वी की तरफ में आप चले जाओ, अगर थोड़ा मिट्टी खाने लग जाओ, आप ठीक हो जाओगे। बट आप मिट्टी तो नहीं खा सकते, पानी तो पी सकते हो कम से कम। दैट इज समथिंग, अर्थ एंड वाटर, ये दो चीजें हैं जिसको आपको बैलेंस करना है। थर्ड थिंग इज फायर, अपने शरीर का फायर कम ना करें, क्योंकि वही फंक्शनिंग करवाता है। तो आप पैरासिटामोल खाके बॉडी का फायर क्यों कम कर रहे हो, बॉडी तो फायर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने आप को ठीक रख सके, उसको कम क्यों कर रहे हो। दैट इज व्हाट आई सेड, आई स्टार्टेड जॉगिंग, जॉग करने से हुआ क्या, मेरा फायर बढ़ गया, एकदम से पसीना आया, उसने मुझे ठीक कर दिया। तो फायर को कम ना करें, वो गोली खा के फायर को कम ना करें, और हेवी खा के फायर को, हेवी खाने से भी फायर कम हो जाता है। आप एक काम करो, एक हफ्ता तक फ्रूट्स खाओ केवल, जस्ट हैव फ्रूट फॉर वन वीक। अगले दिन आफ्टर फिनिशिंग वन वीक, नेक्स्ट डे यू हैव समथिंग कुक, कुछ पका हुआ खाना खा जाओ, योर बॉडी विल क्रैश इमीडिएटली। आपको लगेगा उठा नहीं पा रहे, आपको सोना है, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू लाई डाउन। तो ये जो फूड है, जो विच इज कुक्ड फूड, ये आपके ऊपर लोड है, आपके सिस्टम के ऊपर, ये आपकी फायर को कम करता है अंदर के। इस वक्त में तो फायर चाहिए हमको, है ना। तो आप कुक्ड फूड से फायर को कम ना करें। जो आप वाटर लेते हैं ना, ये आपके फायर को कम नहीं करता। जूसेस, स्पेशली आई एम सेइंग जूस, पानी पीने के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, फ्रूट्स एंड जूसेस, नारियल पानी, ये बोल रहा हूं, ये आपके फायर को बढ़ाता है। एक्चुअली कुक्ड फूड आपके फायर को कम कर देता है, इसीलिए कुक्ड फूड बोल रहा हूं, हटा दो, बिल्कुल हटा दो कुक्ड फूड, खाना ही नहीं। दो दिन की बात है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा जोर लगेगा, बॉडी में भूख लग रही है, क्योंकि टेंडेंसी है ना, इट इज मोस्टली साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल, लेट मी टेल यू दैट। हमारी भूख आजकल ज्यादातर साइकोलॉजिकल है, इसको तोड़ना पड़ेगा हमको कहीं ना कहीं। तो कम से कम दो दिन के लिए तो इतना सहन कर लीजिए ना, दैट इज तपश्चर्या, तपस कर लो ना, आपका शरीर एकदम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यू वोंट गेट कोरोना, लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट कंट्रोल योर कोरोना विथ मेडिसिन, ऐसे ही अगर आपका शरीर ठीक कर लेना, यू कैन नॉट गेट इन टू कोरोना डिजीज। ये भी बता दें, दवाई खा के ठीक करेंगे तो चांसेस होंगे होने के।